गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज गए हैं, 6 बज रहे होंगे, क्योंकि मैं 6 के थोड़ा पहले ही उठ जाती हूँ। स्टार्टिंग में 1 वीक तो मैं 5 बजे उठ गई थी, लेकिन अभी मैं बहुत जल्दी उठ जाता 5 बजे, तो 6:30 6:30 बजे उठती हूँ। और मैं यहाँ पे पी रही हूँ पानी, और मैंने कुकर भी लगा दिया था। आज मैं राइस बना रही हूँ, तो टहरी टाइप कुछ बना कर लेके जाऊँगी, क्योंकि कभी कभी राइस भी खाने का मन होता है, तो कभी कभी मैं राइस बना लेती हूँ, कभी कभी फ्राई राइस कर लेती हूँ। ऐसे करके कुछ ना कुछ चेंज चाहिए कुछ डेली खाने में, क्योंकि हमें हमेशा लगता है सब्जी क्या बनाए। सब्जी बनाने का बहुत प्रॉब्लम है, तो समझ में नहीं आता है क्या बनाए सब्जी, क्या नहीं, क्या खा ले टिफिन में, क्या खा रहे नाश्ते में, ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे मेरी चाय भी अच्छे से बॉईल हो रही है, और यहाँ पे मैंने सीटी लगा दिया है, और फिर ये ठंडा होने के बाद ऐसी टहरी मेरी कुछ बनी है, और बहुत टेस्टी हुई थी। शिमला मिर्च डाला था मैंने, और प्याज डाला था, और डाला था मैंने टमाटर। और ये ना पापा मम्मी को चाय दे दिया मैंने, ये मेरा नाश्ता निकाल लिया, मेरा टिफ़िन भी भर लिया, और ये मेरे लिए चाय। और यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ, यहाँ पे पूरा बैग में ही सब रखती हूँ मैं, सनस्क्रीन ये सब, तो यहाँ पे सब निकाल के रखी थी एक साइड में, नाश्ता भी कर रही थी। और फिर मैं निकल गई हूँ, ठंडी है, मतलब उस दिन ठंडी थी, अभी आज जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ठंडी कम है अब, बट जैकेट तो मुझे लेकर ही जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे ऑफिस में तो महान महान लोग हैं, उनको बहुत गर्मी होती है। तो यहाँ पे देखिए फॉग इतना था ना, ये जो था ना एक दिन पहले का था, तो थोड़ा कम फॉग लग रहा था। और ये स्टेशन हमारा, और ये ब्रिज, मैं जब ये ब्रिज चढ़ती हूँ ना, तब मैं इंजीनियर को बोलती हूँ, भाई क्या बनाया तू, पैर दुखने लगता है, ये देखो फॉग यहाँ पे। फिर उसके दूसरे दिन का मैंने ऐड किया, ये देखो दूसरे दिन का है, दूसरे दिन का इतना ज़्यादा फॉग था ना, गाँव में कैसे होता है, देखो ये 7 बज रहा है अभी, 7 बजे का ऐसा हालत है, 7 बजे का ये हालत था, देखो आगे का कुछ भी दिख नहीं रहा है। ये सब उधर रेसिडेंशियल एरिया भी उस साइड है, ये तो स्टेशन ही है, रेलवे ट्रैक है ये, और इतना फॉग था जैसे गांव में कैसे होता है। गांव में तो ये मतलब गांव में तो ये कॉमन है, बट ये मुंबई है, मतलब हम लोग नियर ही मुंबई है ना, 1 आवर के पहले, 1 आवर लगता है यहाँ से मुंबई। और इस साइड रेसिडेंशियल है, देखो इस साइड भी कुछ नहीं दिख रहा है, ये स्टेशन है उसके पीछे सारा रेसिडेंशियल है, लेकिन कुछ दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं रहा, इतना फॉगी फॉगी हो गया था। और फिर हमारी ट्रेन भी देखो, ट्रेन में से ये देखो ट्रेन से सीन है, फिर ट्रेन तो अच्छी खासी चल रही थी, और आगे जाके और गाँव जैसे थोड़ा हो जाता है, बीच बीच में आ जाता है, तो ये फॉग 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 बहुत फॉग था, बहुत ठंडी लग रही थी। बाबा ये देखो कैसे बैठी हूँ मैं, और रश तो पूछो नहीं, ये पीछे जो मेरा जनरल लेडीज है वहाँ पे तो रश रहती है, ये फर्स्ट क्लास में भी कम रश नहीं रहती है, बहुत रश रहती है फर्स्ट क्लास में भी, ये फर्स्ट क्लास है, यहाँ पे लोग खड़े हैं, बहुत रश है बाबा। और फिर फाइनली मैं पहुँच गई ऑफिस, ऑफिस मेरा अभी ओपन नहीं है, जो नियर बाय रहते हैं नहीं दूर रहती है, तो वो की लेकर जाती है, वही आती है टाइम पे आ जाती है, उससे सबसे पहले मैं ही पहुँच जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा ट्रेन नहीं है यहाँ से इसलिए। और ये हमारे सामने वाला ऑफिस है, इनका क्रिसमस अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो लगा हुआ है, और नया साल भी आने वाला था, तो सब लगे ही रहने देते जो भी क्रिसमस का ये रहता है। तो आज मैंने ये कुर्ता और ये मंगाया था, कोट सेट है ये, तो ये मंगाया था मैंने, वही पहना है ब्लैक एंड वाइट कलर में। और ये मेरा फ्लोर है, मैं 3rd फ्लोर पर रहती हूँ, थोड़ी ओल्ड बिल्डिंग है ये, तो यहाँ पे मेरा एक ऑफिस यहाँ पे है, बाकी सराउंडिंग में भी 4-5 ऑफिसेस और है। और ये मेरा जैकेट मैंने निकाल दिया था, और फिर ये देखो कितनी रश होती है, ये फर्स्ट क्लास है, अब जो देख रहे हो, मैं सोची थी इस बार मैं चढ़ जाऊँगी फर्स्ट क्लास में, लेकिन देखो कितना ब्लॉक कर देते रास्ता, चढ़ने के लिए भी जगह नहीं रहता, तो ऐसे में कौन फर्स्ट क्लास में जाएगा। तो फिर इसके बाद जो एक्सप्रेस आती है ना, तो उसमें मैं चढ़ के जाती हूँ। कुछ भी हो बट बिना लोकल किसी का काम नहीं चलता, लाखों लोग लोकल से ट्रैवल करते हैं। तो फाइनली मैं एक्सप्रेस में बैठ गई हूँ, और यहाँ से फिर मैं जाऊँगी। गाइस मैं आ गई स्ट्रगल करते करते ट्रेन का, अब जा रही हूँ, फ्रेश होंगी, फिटिंग करूँगी, फिर मिलती हूँ। गाइस ये देखो इसकी हालत, ये देखो, ये देखो मोबाइल नहीं दे रही है, ये जो देखो सभी देखो, मैं आपको एक्सपोज कर दे रही हूँ, देखो
ये देखो इसका चेहरा देखो, 2 घंटे से मोबाइल लेके बैठी है, दे नहीं रही है। दोगे कि नहीं मोबाइल बोलो, बुआ को दोगे कि नहीं? लाओ दो मोबाइल, चलो दो लाओ सभी, जाओ मम्मी बुला रही है, अभी जाओ अपने बेडरूम में जाओ सो जाओ। सभी सभी मोबाइल दिए सभी, वो भी बाहर जा रहे थे सब भैया भाभी घूमने के लिए, तभी दिए 2 घंटे से मेरा मोबाइल दिया। आजकल मैं जब ऑफिस से आती हूँ मेरे पास आ जाती हूँ, उसको मोबाइल लेना होता तो चालाकी करती है बुआ, बुआ करती है, फिर मेरे हाथ से खाना खाएगी, मेरे पास रहेगी, मेरे साथ खेलेगी, फिर बाद में मोबाइल पे अटैक करती है। ये देखो मैंने नेल पेंट लगाया, कैसा लग रहा है डिजाइन? तो फाइनली मैं कैसे, इतना रश होता है ना ट्रेन में, तो मैं जो लोकल ट्रेन होती है ना मैं उसमें चढ़ती नहीं हूँ। देखा ना कितना रश था, फर्स्ट क्लास में भी बहुत रश होता है। तो मैं एक्सप्रेस वाली जो ट्रेन रहती है ना, सेम टाइम के 10 मिनट्स के डिस्टेंस रहती है, तो फिर मैं वो पकड़ लेती हूँ, और फिर मेरे 2 स्टेशन से पहले वो आती है, फिर वहाँ से वही लोकल फिर मुझे मिल जाती है, फिर उसमें बैठ गया तो फिर यहाँ पर रश कम हो जाती है। जब नियर बाय हमारा स्टेशन है तो रश कम हो जाती है, तो उसमें बैठ गया जाती हूँ। इतना आसान नहीं है लोकल में ट्रैवल करना, बहुत मेहनत लगती है बाबा, सुबह उठने से ज़्यादा मेहनत तो उसमें लगती है, सुबह भी स्ट्रगल करके बैठे ट्रेन में, फिर शाम को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसी है, आसान तो नहीं है लेकिन आसान बन जाती है, अच्छा लगने लगता है ट्रैवलिंग, बस ट्रेन में चढ़ने का डर लगता है। तो चलो चलती हूँ मैं सोने, वीडियो चैनल लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, और बस बहुत ही जल्द ही अच्छा न्यूज आने वाला है, मैं बताऊंगी आप लोगों को वो न्यूज क्या है। ये देखो मेरा नेल पेंट कितना अच्छा लग रहा है यार, सही ना? मेरे भाई पूछ रहे मुझे ही बता क्या गुड न्यूज है, मैं इसको नहीं बताऊंगी, इसको नहीं बताऊंगी।